राम राम सभी ने आज हम बात करेंगे मर्लिन मोनरो के बारे में। एक मॉडल, अभिनेत्री और गायिका थी। 20वीं सदी की सबसे सुंदर महिला अपने बिंदासपन के लिए भी जानी जाती हैं। चर्चित जो है कैमरा पोज आज भी उनके दीवारों पर सजे हुए हैं। अनाथ आश्रम में पढ़ी लिखी थी। स्टार्टिंग में जो है काफ़ी शर्मीली इंसान थी, बाद में जो है बिंदास गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच गई थी। अपनों से दूरी और दर्द ने बना दिया था शर्मिला और अंतर्मुखी। जन्म जो है 1 जून 1926 को हुआ था, नॉर्मा जीन मोर्टेंस में। माँ का नाम था ग्लैडिस पर्ल बेकर, उनका नाम नॉर्मा बेकर रखा गया था। माँ की मानसिक स्थिति खराब थी। 6 साल की उम्र में जो है एल्बर्ट और इड्डा वुलेंडर द्वारा इनको पढ़ा गया। बाद में जो है माँ ने लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इस वजह से ये जो है अनाथ आश्रम में पढ़ी लिखी। इन्होंने जो है अपने पड़ोसी से ही शादी की थी। 16वें जन्मदिन के बाद अपने पड़ोसी जेम्स डोगर्टी से शादी की और एक गृहिणी बन गई, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी। 1943 में जो है इनके पति मर्चेंट नेवी में चले गए और जल्दी ही दोनों अलग हो गए। पैसा कमाने के लिए इन्होंने कारखाने में नौकरी की और यहीं से जो बड़ा ब्रेक मिल गया। साल जो इनके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हुआ। इन्होंने अपने पति से तलाक लिया और अपना नाम नॉर्मा बेकर से जो है मर्लिन मोनरो कर लिया। फॉक्स मूवी जो है इनकी पहली आई थी मूवी, विश्व स्तर पर जो मशहूर हो गई। 1956 में जो है दोबारा शादी की इन्होंने बेसबॉल स्टार जॉन डैमेगियो से। हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टारों में से एक थे उस टाइम की है। द 7 ईयर ईच में जो है इन्होंने अभिनय किया। 1955 में जो है राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था। ड्रग्स की लत के कारण इनकी जो शादी टूट गई थी। 36 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया।